ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती समारोह पर आज भरतपुर में उन्हें याद किया गया। भूरे सिंह व्यायामशाला पर मंत्री सुभाष गर्ग ने पुष्पांजलि अर्पित कर चौधरी को याद किया और उन्हें किसान हितैषी के साथ मजदूर हितैषी भी बताया। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि उनके किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। देश को समाजवाद के सिद्धांत पर बढ़ाने वाले नेता रहे हैं, उनके इस उदाहरण से केंद्र सरकार के नेताओं को भी सीखना चाहिए। वहीं झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन को जनादेश मिलने पर मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा के बाद एक सबक जनता के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस के पक्ष में बहुमत मिलने पर बोलते हुए कहा कि इस देश को धर्म के आधार पर बांटकर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर वो संभव नहीं लेंगे। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद हरियाणा में भी हम थोड़े से ही मार्जिन से रह गए, महाराष्ट्र में तो आप देख लीजिए उनके खुद के दोस्त जो है साथ छोड़ गए हैं, और अब झारखंड में भी वहाँ की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो इस बात का उदाहरण है जो सोच रहे थे कि इस देश को इस आधार पर, धर्म के आधार पर हम बांट करके और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर लेंगे, वो शायद